नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और हमारी वीडियो देख रहे होंगे। मैं आपका अपना आशीष लोधी इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से अपनी ग्राम पंचायत के ऑनगोइंग कार्य देख सकें, जिससे कि आपकी इन्फॉर्मेशन में रहे कि हमारी ग्राम पंचायत में जो मनरेगा के तहत काम आते हैं वो कौन कौन से अभी वर्तमान में चल रहे हैं, उस पर कितना क्या व्यय हुआ है। संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। अगर आप एज अ पंचायत सचिव इस वीडियो को देख रहे हो या फिर एज अ आप कर्मचारी अधिकारीगण देख रहे हैं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि हमारी चैनल की ग्रोथ हो सके। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए। और अगर आप एक आम नागरिक देख रहे हो उस वीडियो को, तो आपको वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों को शेयर करना है, जिससे कि आपको अपनी ग्राम पंचायत की संपूर्ण जानकारी मिल सके। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आपको ओपन कर लेनी है नरेगा वेबसाइट को, तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो इजीली। देन आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा और कुछ रेक्टेंगुलर शेप में आपको बॉक्स दिख रहे होंगे, इसमें आपको लिखा होगा इधर पे, ये वाला जो ऑप्शन आपको शो हो रहा है इधर पे, क्विक एक्सेस वाला, इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस इधर शो होगा, इसमें कि लास्ट वाला ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा स्टेट रिपोर्ट्स। स्टेट रिपोर्ट्स पर आपको क्लिक कर देना है, कुछ इस तरीके का आपको नई विंडो ओपन होकर आ जाएगी दूसरे टैब में। आप ये प्रोसेस मोबाइल से भी कर सकते हो और आप ये प्रोसेस अपने पीसी से भी कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके की आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको इधर पे अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि मेरी मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इधर पे आपको अपना जिला सेलेक्ट करना है, जो भी आपका जिला हो वो मैं जिला सेलेक्ट कर लूँगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैंने जिला सेलेक्ट कर लिया। मैं इधर पे ब्लॉक सेलेक्ट करूँगा, जो भी आपका ब्लॉक हो आप ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिए। और जो भी आपकी ग्राम पंचायत हो आप अपने हिसाब से, जो भी जिस भी आप ग्राम पंचायत के निवासी हो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो, जिसकी भी आपको डिटेल्स चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं इधर पे कोई भी रैंडम ग्राम पंचायत को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने एक पंचायत इधर पे सिलेक्ट कर ली है। अब मैं ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको उधर पे शो होगा। देन आपको R5 वाले ऑप्शन में देखना होगा। सबसे पहले तो इसको कोलैप्स, जो एक्सपेंड ऑल का ऑप्शन आता होगा, आपको इसको एक्सपेंड कर लीजिए। आपको पूरे ऑप्शन इधर शो होने लगेंगे। देन आपको ये लाइन बाई लाइन दिए हुए हैं ऑप्शन, इसमें आपको R5 वाले ऑप्शन पर जाना है। जैसे ही आप इस पर कोलैप्स ऑल पर करोगे तो आपको दो इसमें सब ऑप्शंस दिखते हैं, जो कि नंबर 1 और नंबर 2 है। लिस्ट ऑफ वर्क्स पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको कार्य की श्रेणी इधर पे पूछी जाएगी। अगर आप पर्टिकुलर किसी कार्य पर देखना चाहते हो कि कौन सा कार्य मुझे देखना है, तो आप उस पर भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं इधर पे ऑल पर करूँगा, जो कि सभी कार्य मुझे देखना है कि कौन कौन से ऑनगोइंग वर्तमान में चल रहे हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो वर्क स्टेटस पर आपको ऑनगोइंग पर क्लिक कर देना है, क्योंकि आप वर्तमान में चल रहे कामों को देखना चाहते हो तो ऑनगोइंग पर करोगे। अगर आप कंप्लीटेड काम देखना चाहते हो तो आप कंप्लीटेड पर क्लिक करोगे। तो मैं इधर पे ऑल नहीं देखना चाहता हूँ, मैं ऑनगोइंग जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं मैं उनको देखना चाहूँगा। और इधर पर आप फाइनेंशियल ईयर चूज़ कर लेंगे। जैसा कि मैं ऑल फाइनेंशियल ईयर के नहीं देखना चाहता हूँ, मैं सिर्फ 22-23 की जो भी ऑनगोइंग काम है मैं उनको देखना चाहता हूँ, तो मैं इधर 22-23 सेलेक्ट कर लूँगा। तो वर्तमान में आप देख पा रहे होगी 22-23 के इतने काम अभी ऑनगोइंग में चल रहे हैं। अगर आप पूरी वित्तीय वर्षों के देखना चाहते हो कि अभी तक के कितने काम ऑनगोइंग चल रहे हैं, तो आप इस पर क्लिक करोगे ऑल पर, तो आपको पूरे इधर पे काम शो होने लगेंगे। तो ये था कुछ और ऑनगोइंग काम से रिलेटेड, पूरा इसमें आपको डेटाबेस शो हो रहा है ना। दोस्तों ये था कुछ ऑनगोइंग काम का पूरा स्टेटस। और अब हम जान लेते हैं कंप्लीटेड काम किस प्रकार से देखना है। तो उधर हम सिलेक्ट करेंगे ऑनगोइंग की जगह हमको कंप्लीटेड इधर सिलेक्ट करना होगा। देन आपको फाइनेंशियल ईयर जो भी आपको पर्टिकुलर का निकालना है तो आप पर्टिकुलर पे जा सकते हो। मैं ऑल का देखूंगा इधर पे, तो जितने भी अभी काम कंप्लीटेड हुए हैं अभी तक के, ये सारी लिस्ट आपको शो हो जाएगी। आप इसको Ctrl+P दबा करके PDF में भी सेव कर सकते हो और इसको आप प्रिंट भी कर सकते हो। तो ये था कुछ अपनी ग्राम पंचायत का, जो भी आपको स्टेटस देखना चाहो आप इजीली इधर से देख सकते हो, पूरे आप काम देख सकते हो। तो ये अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप अधिकारी कर्मचारीगण इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि हर नागरिक तक यह इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और वो जागरूक हो सके इस बारे में कि हमारी ग्राम पंचायत में क्या कुछ काम चल रहे हैं और उनको जानकारी हो। और अगर इस वीडियो में आपको कोई भी सवाल रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम ग्रुप नीचे
डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डली हुई है, आप उधर से ज्वाइन करिए। उधर से आप हम डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। उधर हम पंचायती राज रिलेटेड आदेश डालते रहते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट आदेश आते हैं वो हम उधर पिन करते हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। आपका अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।